हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रहे हैं बहुत प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन का डोरमेट, जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो कलर की ऊन ले रखी है। ठीक है, आप चाहे तो साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो ऊन से भी बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे आपको दो दो प्रकार की ऊन लेनी होंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको डालने होंगे फंदे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फंदे डाल लिए हैं। तो मैंने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 35 फंदे ले रखे हैं। ठीक है, आप 40 का भी बना सकते हैं या फिर आप 35 का ही रखेंगे इस डिज़ाइन में, तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको इस तरीके से एक बार गोल राउंड करते हुए एक फंदा बढ़ा लेना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, यहाँ पे इस तरीके से सभी फंदे बुनेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से बनने वाला बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को स्किप करके ना देखें, थोड़ा सा सपोर्ट करें। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से सभी फंदों को बुनना है। ठीक है, नीचे की साइड पे हमें दो फंदे, आप चाहे तो दो फंदे छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो तीन फंदे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तीन तीन फंदे छोड़ूंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से सभी फंदे बुनना है, दो फंदे छोड़ते हुए बाकी सभी फंदे बुनाई कर लेनी है। ठीक है, तो इसे हम सिलाई में इस तरीके से बना देंगे। ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं दो फंदे छोड़ते हुए यहीं से पलट लूंगी। ठीक है, इस तरीके से दो फंदे छोड़ते हुए पलट लेना है। ऊपर की साइड कुछ भी नहीं करना, जो जैसा है वैसे ही बनाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने दो तो चार तो छः तो आठ, आठ फंदे दो दो करके यहाँ पे छोड़ दिए। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे सभी फंदे हम दो दो करके छोड़ते जाएंगे, यानी कि हमारे 35 फंदे हैं, तो 35 फंदे हम दो दो करके छोड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और एक एक फंदा हर सलाई में यहाँ पे हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम बनाएंगे, इसके आगे का दिखाएंगे। देखिए, अब यहाँ से पलट लेना है। ठीक है, पलटने के बाद सीधी साइड से इस तरीके से बुनाई करनी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हर रो में एक एक फंदा बढ़ाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से दो दो फंदे, देखिए इस साइड पे हमें दो दो फंदे छोड़ते जाना है, हर रो में एक एक फंदा बढ़ाते जाना है। तो यानी कि हमने यहाँ पे 35 फंदे लिए, तो टोटल हमें 35 फंदे छोड़ने हैं दो दो करके, और ऊपर हर सिलाई में एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए दो दो करके सभी फंदे यहाँ पे छोड़ रखे हैं। ठीक है, जितने फंदे आप लिए हैं आपने सभी फंदे आपको छोड़ने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हर रो में एक एक फंदा हमने बढ़ाया है। अब यहाँ से इस तरीके से देखिए दो का एक करेंगे, इस तरीके से एक फंदा कम करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10,
बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, एक यहाँ पे नीचे की साइड पे जो दो दो करके हमने फंदे छोड़ रखे थे वहाँ से एक फंदा बुनेंगे इस तरीके से, देखिए, उसके बाद यहीं से पलट लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर की साइड पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यहाँ पे सभी फंदे बुनेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक एक फंदा नीचे करके कम कर दिया है, और जो फंदे हमने दो दो करके छोड़े थे उन सभी फंदों को दो दो करके देखिए यहाँ तक की बना लिया। अब लास्ट के हमारे दो फंदे, दो सलाइयाँ भी और बनेंगी, ठीक है, इसी तरीके से दो सलाइयाँ और बनाएंगे। आप देखें यहाँ से इस तरीके से दो का एक फिर से करेंगे, एक, दो, तीन, यहाँ पे कंप्लीट फंदे बुनेंगे, ठीक है, इस तरीके से देखें सभी फंदों को कंप्लीट बुनना है। ठीक है, नीचे की साइड पे जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे एक फंदा ये वाला बुनेंगे और एक नीचे की साइड से जो दो फंदे हमारे छूटे हुए हैं उसमें से एक बुनेंगे, एक छोड़ देंगे और यहीं से पलट देंगे। अब कंप्लीट फंदे एक साथ में सभी फंदे हम बुनेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने इस कली को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर को ऐड किया है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जब ग्रीन कलर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जैसे आपने दो दो फंदे छोड़ रखे थे उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें दो दो करके फंदे छोड़ते जाना है ऊपर की साइड पे, ठीक है, और यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ते जाना है। और सेम प्रोसेस में जैसे यहाँ पे मैंने एक एक फंदा बढ़ाया उसके बाद फिर एक एक फंदा कम करना है, जितने फंदे हमें बढ़ाने होते हैं बस उतने ही फंदे हमें कम करने होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसमें 35 फंदे डाल रखे हैं तो 35 फंदे डालने के बाद मैंने दो दो फंदे करके 30 फंदे छोड़े यहाँ पे, उसके बाद 30 फंदे दो दो करके फिर से हम यहाँ पे बुनाई करेंगे, फिर नेक्स्ट पत्ती बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये डिज़ाइन बन के रेडी होगा। तो इसी तरीके से मैं इसकी और भी पत्तियाँ बना लेते हैं, उसके बाद इसके आगे का प्रोसेस आपको पूरा दिखाएंगे, कंप्लीट डिज़ाइन किस तरीके से आपका ये डिज़ाइन बन के कम्प्लीट रेडी होगा, ठीक है। चलिए आप भी बनाइए।